हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। किरण 9700 प्लस बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का लास्ट टाइप 9 इस वीडियो में हम करेंगे। टाइप 9 का क्वेश्चंस नंबर पहला हमने पिछला वीडियो में करा दिया था, तो क्वेश्चंस नंबर दूसरा से इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर दूसरा, एक विद्यालय में 720 छात्र हैं जिनमें लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चंस में दिया है कि लड़के यानी बॉयज, लड़कियां यानी कि गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:5। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि 7+5 टोटल कितना हो गया, 12। क्वेश्चंस में टोटल दिया है कितना है, 720 छात्र है, यानी कि 12 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है कितना है, 720 है। अब क्वेश्चंस में बोला है कि कितनी लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए कि लड़का और लड़की का अनुपात 1:1 हो जाए। तो लड़की को शामिल किया जा रहा है तो लड़के की संख्या को बराबर करना होगा, यानी कि पहले जितना लड़का था बाद में उतना ही लड़का होना चाहिए। तो यहां पर 7 है, यहां पर 1 है, तो 1 में हम 7 से गुना करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, तो यहां भी 7 से गुना करना होगा, यानी कि 7:7 हो गया। लड़के की संख्या को हमने बराबर कर दिया। अब देखिए, पहले 5 लड़की थी और बाद में 7 लड़की हो गई, तो 2 लड़की शामिल हो रही है, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो देखिए, 12 रेशियो का वैल्यू कितना है, 720। यहां लिख देते हैं 12 रेशियो का वैल्यू कितना है, 720। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 720/12 यानी कि 12×6=72 और ये 0 यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 60 हो गया। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 60×2 यानी कि 120। तो 120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप यहां से भी कर सकते हैं, 12 में हम कितना से गुना करें कि 720 हो जाए, तो 12 में 60 से गुना करना होगा तब 720 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 60 हो गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2×60 यानी कि 120। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, पूरे संसार में स्थल एवं जल का अनुपात 1:2 है, यह अनुपात उत्तरी गोलार्ध के लिए 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहां पर हम ये लिख देते हैं कि पूरा जो आपका पृथ्वी है उस पर क्वेश्चंस में ये क्लियरली दिया है कि स्थल एवं जल इसका रेशियो है कितना, 1:2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1+2 यानी कि ओवरऑल ये आपका टोटल पृथ्वी पर है जो 3 है, कुल कितना है, स्थल प्लस जल ये 3 है। और हम चाहे तो इसे और भी इजी बना सकते हैं, हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो 10+20 टोटल आपका कितना, ये टोटल आपका 30 हो गया है। अपने मन से कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ऐसा किया है, यानी कि 1:2 स्थल और जल का रेशियो है पूरे पृथ्वी पर, तो उसको हमने 10:20 यानी कि 10 आपका स्थल तो 20 आपका जल है, तो 10+20 टोटल पृथ्वी पर कितना है, 30 है। अब ध्यान से देखिए, पूरा पृथ्वी को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे, एक को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा को हम क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, दूसरा को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, आपको यह समझना है। तो क्वेश्चंस में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए स्थल और जल का अनुपात 2:3 है, यानी कि यहां पर लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध पर क्वेश्चंस में दिया है कि स्थल और जल का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, हमने यहां पर सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर 30 आपका क्या है, स्थल और जल दोनों मिलाकर के है, तो दोनों आपका जो भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर बराबर बराबर रहेगा, ये तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि 30 का आधा करेंगे तो 15, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर भी 15 होना चाहिए स्थल प्लस जल, और दक्षिणी गोलार्ध पर भी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए स्थल प्लस जल को मिला करके। अब देखिए, यहां पर टोटल कितना हो रहा है, स्थल
और जल को मिला करके तो 2+3 यानी कि यहां पर कुल कितना हो रहा है, यहां पर कुल हो रहा है 5 और कुल कितना है उत्तरी गोलार्ध पर 15 यानी 5 रेशियो का वैल्यू 15 तो 5 × 15 होता है तो यहां पर 3 से गुना करना होगा यानी कि 2 × 6 और 3 × 9 यानी 6:9 हो गया। दैट मीन्स उत्तरी गोलार्ध पर टोटल 15 है तो 15 में से आपका 6 भाग स्थल है और 9 भाग जल है। तो यहां पर उसी प्रकार से यहां हमें दक्षिणी गोलार्ध के लिए पूछा है कि स्थल और जल का रेशियो क्या होगा। तो देखिए टोटल आपका ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि टोटल कितना है। तो टोटल ये देखिए स्थल कितना है, स्थल आपका टोटल 10 है, 10 में से 6 आपका क्या है उत्तरी गोलार्ध पर है तो 10 में से हम 6 घटा देते हैं, 10 में से हम 6 घटा देंगे मतलब 4 आपका जो भाग होगा वो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल हुआ। ठीक इसी प्रकार से टोटल जो आपका जल है वो कितना है 20 है और उत्तरी गोलार्ध पर जल कितना है 9 है तो 20 में से हम 9 घटा देंगे तो 11 जो होगा 11 भाग आपका जल होगा दक्षिणी गोलार्ध पर यानी कि 4:11 आपका होगा स्थल और जल का रेशियो दक्षिणी गोलार्ध के लिए। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, यहां चाहे तो आप डेसिमल से भी कर सकते हैं लेकिन उससे बेस्ट है। यहां पर हमने क्या किया 1:2 था तो 10:20 हमने अपने मन से कर लिया और टोटल 30 कर लिया। फिर पृथ्वी पर 2 भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर बराबर बराबर होना चाहिए तो यहां 15 तो यहां भी 15 क्योंकि टोटल 30 है तो 30 को 2 भाग में बराबर बराबर बांटे यानी 15:15। अब यहां पर उत्तरी गोलार्ध पर दिया है स्थल जल 2:3 टोटल कितना रेशियो में 5 हो रहा है और उत्तरी गोलार्ध पर टोटल 15 होना चाहिए 5 रेशियो का वैल्यू 15 तो 1 रेशियो का वैल्यू 15/5 यानी कि 3 तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 × 6 3 रेशियो का वैल्यू 3 × 9 यानी कि टोटल जो पृथ्वी है उस पर स्थल कितना है 10 तो 10 में से 6 आपका स्थल है उत्तरी गोलार्ध पर तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा 10 में से 6 हम ये घटा दिए तो कितना हो गया 4। ठीक उसी प्रकार से पूरे पृथ्वी पर जल कितना है, जल आपका 20 है और उत्तरी गोलार्ध पर जल कितना है 9 है तो 20 में से 9 हमने घटा दिया तो कितना हो गया ये आपका 11। 20 में से 9 घटाएं तो 11 हो गया यानी कि 4:11 दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल और जल का रेशियो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगना है, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसका प्राप्तांक 180 है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का समानुपात 2:3 है तो विज्ञान में उसका प्राप्तांक क्या है। सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगना है तो यहां पर इस तरह से सबसे पहले हम लिखते हैं अंग्रेजी अनुपात विज्ञान। क्वेश्चंस में बोला है कि अंग्रेजी का प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगना है यानी विज्ञान का प्राप्तांक 1 है तो अंग्रेजी का प्राप्तांक 2 होगा। आगे फिर क्वेश्चंस में लास्ट में लिखा है यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी और गणित का रेशियो क्वेश्चंस में दिया है, अंग्रेजी और गणित का रेशियो क्वेश्चंस में कितना दिया है तो 2:3। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां अंग्रेजी रेशियो में 2 है, यहां अंग्रेजी रेशियो में 2 है तो सबसे पहले यहां पर पहले से ही क्वेश्चंस में ये बराबर दिया है, अगर जो बराबर नहीं दिया रहता तो हम इसको बराबर कर लेते, यहां भी 2 है यहां भी 2 है मतलब पहले से ही समान है, अगर समान नहीं रहता तो समान करते। अब देखिए हम सजा करके लिख देते हैं कि अंग्रेजी अनुपात विज्ञान अनुपात गणित इसका रेशियो क्या हो गया, तो अंग्रेजी 2 रेशियो में है, विज्ञान 1 रेशियो में है और गणित 3 रेशियो में है तो टोटल कितना हो गया, यहां पर से कुल कितना हो गया है टोटल तो 2+1 3 3+3 तो 6 टोटल कितना है 6 और क्वेश्चंस में टोटल दिया है कितना अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसका प्राप्तांक 180 है मतलब 6 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 180। क्या पूछा है विज्ञान उसका प्राप्तांक क्या है यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है तो बहुत ही इजी है आप इस तरह से भी कर सकते हैं 6 रेशियो का वैल्यू 180 दिया है देख सकते हैं
तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 180 बटे 6 हो जाएगा यानी कि 30। तो 30 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहां से भी कर सकते हैं, 6 में 30 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 1 में 30 से गुना करना होगा तो ये आपका 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। जैसे चाहे आप बना सकते हैं, अगर गणित में प्राप्तांक पूछेगा तो 3 × 30 90 हो जाएगा, अंग्रेजी में पूछेगा तो 2 × 30 60 हो जाएगा। अब आप चाहे तो जोड़कर भी देख सकते हैं, 60 30 90 90 180 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 5। एक विद्यालय में 3 अध्यापन कक्षा पहला दूसरा और तीसरा है। अध्यापन कक्षा पहला व दूसरा में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है और अध्यापन कक्षा दूसरा व तीसरा में लड़कों की संख्या का अनुपात 7:9 है। अगर तीनों अध्यापन कक्षों में लड़कों की कुल संख्या 124 है तब अध्यापन कक्षा तीसरा में लड़कों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में कि अध्यापन कक्षा पहला और दूसरा में लड़कों की संख्या का अनुपात है 2:3 और अध्यापन कक्षा दूसरा एवं तीसरा में लड़कों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 7:9 है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, दूसरा में 3 है और यहां दूसरा में 7 है, तो ये दोनों को बराबर करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो 3 को 21 बनाना है तो 7 से गुना करना होगा, तो 2 में भी 7 से गुना करना होगा, 7 को 21 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा, तो 9 में भी 3 से गुना करना होगा। मतलब पहला और दूसरा का रेशियो 7:14:21 हो गया, दूसरा और तीसरा का अनुपात 7:21:27 हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि दूसरा अध्यापन कक्षा को हमने बराबर किया है। तो फाइनली हम इस तरह से यहां लिख सकते हैं कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा ये कितना हो गया। तो पहला में देखिए 14, फिर अनुपात दूसरा में कितना जिसे हमने बैलेंस किया है बराबर किया है वो 21 है, और तीसरा में कितना है तो 27। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है तो इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि 7 1 8 4 12 के 2 बाकी 1, फिर 2 2 4 1 5 और बाकी 1 6, टोटल आपका रेशियो में 62 है। क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कितना है, कुल संख्या 124 है, यानी 62 रेशियो का वैल्यू दिया है 124। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है तीसरा में लड़कों की संख्या क्या होगी यानी 27 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो 62 × 124 होता है, तो 27 × कितना होगा 54। तो 54 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 54, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर जो क्वेश्चन ने पूछता कि पहला में कितना है दूसरा में कितना है, तो 2 से गुना करते 14 × 28 हो जाता पहला में, और दूसरा में 21 × 2 यानी कि 42 हो जाता। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 28 + 42 + 54 करेंगे तो कितना होना चाहिए, टोटल आपका 124 होना चाहिए। चेक कर देते हैं, 8 × 2 = 10 और 4 × 14 = 4 बाकी 1, 2 × 4 = 6 5 6 × 5 = 11 और बाकी 1 = 12। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए क्या है क्वेश्चन। किसी स्कूल की एक्स कक्षा में, एक्स कहने का अर्थ हुआ दसवीं कक्षा में, ए बी सी नामक 3 सेक्शन है। सेक्शन ए और बी के छात्रों का अनुपात 3:5 है और बी और सी के छात्रों का अनुपात 4:7 है। यदि उस कक्षा का कुल छात्रों की संख्या 134 हो तो सेक्शन ए में कितने छात्र हैं? तो सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी में छात्रों का जो रेशियो है वो 3:5 है। यहां पर हमने लिखा ए और बी जो सेक्शन है इसमें छात्रों की जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 में है। फिर आगे बोला है सेक्शन बी और सेक्शन सी में 4:7 में है, कितना 4:7 में है। तो यहां पर बी का मान रेशियो में 4 है, यहां बी का मान रेशियो में 5 है, दोनों को बराबर करते हैं तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, 5 को 20 बनाना है, 4 से गुना करना होगा तो 3 में भी 4 से, 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुना करना होगा तो 7 में भी 5 से गुना करना होगा। मतलब 3 × 12 अनुपात 5 × 20 हो गया ए और बी का रेशियो, फिर बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 4×5 = 20 अनुपात 7×5 = 35। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, तो ए देखिए 12 है और बी 20 है और सी कितना है 35 है। टोटल कितना हो रहा है रेशियो में जो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो जोड़ देते हैं इसे,
यानी कि कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहां 30 लेते हैं, 30 20 50 और 10 60 और 5 2 7 यानी कि 67। और क्वेश्चंस में दिया है टोटल कितना, टोटल दिया है 134, 67 रेशियो का वैल्यू 134 दिया है। क्या पूछा है सेक्शन ए में कितने छात्र है, 12 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 67 दूनी 134 होता है, तो 12 दूनी कितना होगा 24, तो 24 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर जो क्वेश्चन में पूछता कि सेक्शन बी में कितने छात्र हैं, तो 20 गुना 2 40 हो जाता, सेक्शन सी में कितने छात्र हैं, तो 35 गुना 2 70 हो जाता। आप चेक भी कर सकते हैं, 70 40 कितना होता है 110 और ये 24 तो 134, टोटल 134 है भी, तो आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहले लड़के और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 8:5 है, टोटल कितना हो रहा है रेशियो में, यानी कि कुल सबसे पहले हम निकाल देते हैं, तो 8+5 यानी कि 13 है, तो 13 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। और क्वेश्चंस में दिया है यदि लड़कियों की संख्या 160 है, यहाँ पर रेशियो में कितना है लड़कियों की संख्या 5, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू 160 दिया है, तो 5 में 32 से गुना करने पर 160 हो जाता है, तो 13 में भी आपको 32 से गुना करना होगा, तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2 तृतीय 39 और 2 41, तो 416 कुल विद्यार्थी है, ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है, यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपया प्राप्त हुआ, तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है, यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं, दो रेलवे स्टेशन है जिसका किराए का रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है, तो क्वेश्चंस में रेशियो दिया है 4:1 है, और क्वेश्चंस में दिया है कि यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है, यहां पर लिख देते हैं संख्या का अनुपात कितना है, तो 1:40 है, तो सबसे पहले हम यहां पर कुल किराया निकाल देते हैं, कुल किराया कितना होगा, तो 4 × 1 और अनुपात 1 × 40, दैट मीन्स 4:40, आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 × 4 और यहां पर 4 × 40, तो 1:10 हो गया, तो टोटल यहां पर कितना हो रहा है, तो 10+1 = 11। क्वेश्चन में दिया है कि कुल कितना है किराया 1100, 11 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 1100 रुपया, तो आपसे क्या पूछा है कि प्रथम श्रेणी की यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 11 में 100 से गुना करने पर 1100 हो जाएगा, तो 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो ये 100 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है कितना 8, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 100, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इरर था इसलिए वो क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कक्षा में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 7:4 है, यदि कक्षा में 84 लड़के हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 7:4, टोटल कितना हो रहा है रेशियो में, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि टोटल कितना हो रहा है, तो 7+4 यानी कि 11, 11 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है और प्रश्न में दिया है कि यदि कक्षा में 84 लड़के हैं, यानी 7 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 84, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 84/7 यानी कि 12, तो 7 में 12 से गुना करने पर 84 हो जाता है, तो 11 में भी आपको 12 से गुना करना है तो कितना होगा 132, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 4 में 12 से गुना करेंगे यानी कि 48 लड़की है और 84 लड़का है, टोटल 132 हो जाएगा इस तरह से भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 11 क्या है। क्वेश्चंस, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तब अनुपात 6:7
हो जाता है। स्कूल में कितने लड़के हैं? शुरुआत में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, शुरुआत में कितना है तो 4:5 है। फिर क्वेश्चंस में बोला है कि यदि जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, यानी कि 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो 100 लड़के छोड़ रही है स्कूल तो यहां पर लड़का की संख्या समान रहेगा, यानी कि 4 और 6 को बराबर करना है तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। यहां पर हम रफ कर देते हैं, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा, तो 5 में भी 3 से गुना करना होगा, 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, तो 7 में भी 2 से गुना करना होगा। मतलब शुरुआत में अनुपात कितना था तो 4:12:5:15 और बाद में कितना तो 6:12:7:14। यहाँ लड़का की संख्या को हमने बराबर कर दिया है। अब देखिए, पहले 15 लड़की थी और बाद में 14 लड़की हो गई, मतलब एक लड़की क्लास छोड़ रही है, एक लड़की है जो स्कूल छोड़ रही है। क्वेश्चंस में दिया है कि 100 लड़की स्कूल छोड़ रही है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 100। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस नंबर है 11, इसमें पूछा है स्कूल में कितने लड़के हैं, स्कूल में कितने लड़के हैं, तो देख सकते हैं लड़का की संख्या को हमने बराबर किया है, यानी कि 12 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 12 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो का वैल्यू 100, तो 12 रेशियो का वैल्यू 12 × 100 यानी कि 1200 हो जाएगा, 1200 लड़के हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है, यदि 10 और लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:5, यहां हमने लिखा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 4:5। क्वेश्चंस में बोला है कि यदि 10 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाए, 10 लड़का और शामिल हो रहा है कक्षा में, 10 लड़का और शामिल हो रहा है तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो देखिए यहां पर 10 लड़का शामिल हो रहा है तो लड़की की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो यहां पहले 5 लड़की थी, बाद में भी 5 लड़की है, यानी कि लड़की की संख्या पहले से ही बराबर है। अब देखिए 4 लड़का से 6 लड़का हो रहा है तो कितने लड़का शामिल हो रहा है, 2 लड़का शामिल हो रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। और क्वेश्चंस में दिया है कि 10 लड़का शामिल हो रहा है, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 10। यहाँ लिख देते हैं 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 10। तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 5 होगा। क्या पूछा है आपसे, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 5 × 5 यानी कि 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस नंबर 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है, एक गांव में कुल आबादी 1428 है एवं पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 25:26 है, उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चंस में दिया है कि किसी गांव में पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो कितना है, तो 25:26 है, और रेशियो में टोटल कितना हो रहा है जो सबसे पहले निकाल देते हैं, तो 25+26 यानी कि 25×50 और 1=51, रेशियो में टोटल कितना है, 51। क्वेश्चंस में टोटल कितना दिया है, क्वेश्चंस में दिया है टोटल 1428 है, यानी 51 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 1428। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चंस में पूछा है उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 26 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 1428/51 होगा, और 26 रेशियो का निकालना है तो 26 से आपको गुना कर देना है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं, यहां पर इसको ये 5, 1, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये देखिए 8, 2, 10, 4, 14, 15 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 3 से कैंसिल करेंगे, 7, 3, 51 और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3×4=12, फिर 2 और 2, 3×7=21, 1 और 8, 3×6=18। अब इसके बाद 17 से इसको कैंसिल करते हैं तो 17×2=34, और यहां पर जब इसे हम घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 34×10=44 और
347 13 शेषफल बचेगा, 13 और 6 मतलब 136, 17 8 36 होता है मतलब 28 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 28 गुना 26 आपको कर देना है, तो यहां पर गुना करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए 28 गुना 26 तो दोनों में से किसी एक का टेबल आपको आना चाहिए, तो 28 6 कितना होता है, 28 6 68 से तो 168 का 8 लिखेंगे, बाकी 16, फिर 28 गुना 56, 56 और 16 कितना होगा, 56 और 10 66 और 6 72 यानी कि 728। 728 महिला कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका एक में दिया है तो ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बगीचा में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। क्वेश्चन में दिया है आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है, यहां हम सबसे पहले ये लिख देते हैं आम और नीम के पौधे का जो संख्या है उसका दिया है क्वेश्चन में क्या अनुपात है, तो 8:11 है। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, कुल पौधा कितना हो रहा है, तो 11+8 19, और आपके प्रश्न में कुल दिया है एक बगीचा में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि 19 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 361। क्या पूछा है, नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, 11 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 19 में 19 से गुना करने पर 361 हो जाता है, तो 11 में भी आपको 19 से गुना करना होगा, तो कितना होगा, 11 9 99 का 9 बाकी 9 11 कम 11 11 और 9 20, यानी कि नीम के 209 पौधे लगाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है 209, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हुआ। अगर जो आपसे पूछता कि आम के कितने पौधे लगाए गए हैं तो 8 गुना 19 हो जाता, आप गुना कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं 8 9 72 के 2 बाकी 7 फिर 1 8 8 और 7 15, या टेबल आता है तो 9 8 52 से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं अगर आम की पौधों की संख्या पूछता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनती के कंचों का अनुपात 7:12 है, जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले जोई और मिनित दिया है क्वेश्चन में, जोई और मिनी के पास कंचों की संख्या जो है उसका रेशियो दिया है वो कितना है, 5:8 है, और फिर आगे बोला है कि जैकब और मिनी, यहां लिख देते हैं जैकब, जैकब है और मिनी या मिनती जो भी यहां पर नाम है हम मिनी लिख देते हैं, जैकब और मिनी इसका रेशियो दिया है ये कितना है, तो ये दिया है रेशियो 7:12 है। क्या पूछा है आपसे, जोई और जैकब के पास कंचों की जो संख्या होगा उसका रेशियो क्या होगा, जोई और जैकब के पास कंचों की संख्या का रेशियो क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो ध्यान से आपको समझना है यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, तो मिनित है जो दोनों में कॉमन है, यहां मिनित के पास 8 कंचों की संख्या है और यहां पर कितना 12 है, तो 8 और 12 को बराबर करना है, तो हमने बताया है कि 8 और 12 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू 24, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा, तो 5 में भी 3 से गुना करना होगा, 12 को 24 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, 7 में भी 2 से गुना करना होगा, यानी कि जोई और मिनित के पास कंचों की संख्या का अनुपात हो गया 5:15:8:24, और जैकब और मिनित के पास कंचों की संख्या का अनुपात हो गया 7:14:12:24, यानी कि यहां पर हमने मिनित के पास कंचों की संख्या को बराबर कर दिया। अब देखिए जोई के पास 15 कंचे हैं तो यहां पर 15 हम लिख देते हैं, और जैकब के पास 14 कंचे हैं तो 15:14 आपका आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, जब 25.2 मीटर लंबी एक तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। 25.2 मीटर का लंबा कोई तार है और इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है 11:25 में, तो 11 जो आपका भाग है ये आपका छोटा भाग है और
25 जो भाग है वो आपका बड़ा भाग है, यानी कि इसे ही हम बोल सकते हैं कि लंबा भाग है। और अब देखिए टोटल आपका कितना हो रहा है, कुल कितना हो रहा है रेशियो में, तो 25 प्लस 11 कितना होगा 36। तो यहाँ टोटल कितना दिया है 25.2, 36 रेशियो का वैल्यू दिया है 25.2। तो आपसे लंबा भाग पूछा है, यानी 25 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहां पर 36 में हम 0.7 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा, 6 × 7 = 42 बाकी 4 × 7 = 21 और 4 = 25 ठीक है। तो उसी प्रकार से 25 में भी आपको 0.7 से गुना करना होगा, तो 25 × 7 = 75 से यानी कि 17.5, तो 17.5 मीटर आपका लंबा भाग होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, 17.5 मीटर दूसरा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:11 है, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 8:11 है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है रेशियो में, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 8 + 11 तो 19, और क्वेश्चन में टोटल दिया है कितना 399, 19 रेशियो का वैल्यू 399 दिया है। आपसे पूछा गया है उनमें से लड़कों की संख्या क्या है, यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 19 रेशियो का वैल्यू कितना है 399, 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 399/19, 19 × 2 = 38, 1 और 9 = 19, यानी कि 19 में 21 से गुना करने पर 399 होगा, तो 8 में भी आपको 21 से गुना करना है, तो 21 × 8 = 21 = 68 से 168 लड़का होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18, धनराशि 126 रुपया को 1:5, 5:6, 9 के अनुपात में बांटना है, संगत अनुपात में धनराशि रुपया में कितना है। देखिए लिखते हैं 126 रुपया को बांटा जाता है, दिया है उसका रेशियो 1:5, 5:6, 9 में, 1:5, 5:6, 9 में, यहां पर टोटल कितना हो रहा है रेशियो में, टोटल कितना हो रहा है, तो 9, 6, 15, 5, 20 और 1, 21, और क्वेश्चन में टोटल दिया है 126, 21 रेशियो का वैल्यू दिया है कितना 126, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 126/21, तो 21 × 6 = 126 होता है, यानी कि 21 में 6 से गुना करने पर 126 हो जाता है, तो 9 में भी 6 से गुना करना होगा, 6 में भी 6 से और 5 में भी 6 से और 1 में भी 6 से, यानी कि 1 × 6 = 6 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 6 × 6 = 36, 9 × 6 = 54, ये कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं, 6, 30, 36 और 54, 6, 30, 36 और 54 सी नंबर ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसी प्रकार से 19 नंबर, धनराशि 368 रुपया को 1:5, 5:8, 8:9 के अनुपात में बांटना है, संगत अनुपात में धनराशियां क्या है। यहां पर अब की बार कितना है 368 रुपया है, इसको बांटा जाता है 1:5, 5:8, 8:9 में, तो सबसे पहले रेशियो में टोटल कितना है जो हम निकालेंगे, 9, 8, 17, 1, 18, 5, 23, टोटल आपका कुल कितना है 23 है, 23 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 368, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 368/23 करेंगे, तो 23 × 1 = 23, फिर 36 में से 23 घटा देंगे तो 13, 13 और 8 यानी 138, 23 × 6 = 38 होता है, 23 में 16 से गुना करने पर 368 हो जाएगा, तो 9 में भी 16 से गुना करना होगा, 8 में भी 16 से और 5 में भी 16 से, 1 में भी 16 से, तो 16 × 16, 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 66 से और 16 × 9 = 44 से, यानी कि कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 16, 80, 128 और 144। कौन सा ऑप्शन से देखते हैं, 16, 80, 128, 144 सी नंबर ऑप्शन से, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शंस आपका दूसरा नंबर ऑप्शंस में दिया है, तो ऑप्शंस नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 20 नंबर, क्वेश्चंस नंबर देखिए 20, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर टोटल कितना है
504 छात्र है, जिसमें से लड़की और लड़का का रेशियो दिया है वो कितना है, 11:13 है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, गर्ल्स प्लस बॉयज करेंगे तो 13 + 11 कितना होगा, ये आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ टोटल दिया है 504, यानी कि 24 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 504। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 504/24 करना होगा, तो 24 × 48 फिर 50 में से 48 घटावेंगे तो 2 से फल बचेगा, 2 और 4 यानी कि 24 से कम 24, डेट मीन 24 में 21 से गुना करने पर 504 हो जाता है। तो 13 में भी 21 से गुना करना होगा, 11 में भी 21 से गुना करना होगा, तो 11 × 11 = 1, बाकी 1 × 11 = 22 और 1 = 23, यानी कि 231 लड़की है। और 13 × 21 करेंगे तो 13 है कम, 13 का 3 लिखेंगे, बाकी 1 × 13 = 26 और 1 = 27, डेट मीन 504 टोटल छात्र है, जिसमें से 231 लड़की है और 273 लड़का है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, 12 लड़की और शामिल की जाती है, तो अब 231 + 12 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 243, 243 लड़की और 273 लड़का। तो यहां पर इसका रेशियो वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 4 × 3 = 7, 2 = 9 और यहां पर 7 × 3 = 12, यानी कि 3 से कैंसिल होता है तो 3 से कैंसिल करेंगे, तो 81 * 243 और ये 91 * 3 कितना होगा, 273। और 81:91 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन जो दिया है 81:91 ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर देखिए 21। तीन जॉगर्स स्थान एक्स से स्थान वाई तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है, इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि x से y जो आपका स्थान दिया है, यानी कि दूरी है जो कांस्टेंट है। यहां पर सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट रहे तो अगर चाल का रेशियो a/b है तो समय का रेशियो क्या होगा, यानी कि 1/a/1/b होगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, तो b/a हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चंस में दिया है कि चाल, यानी कि इसे ही हम बोल सकते हैं गति, गति का रेशियो दिया है, क्या दिया है रेशियो, 10:3:20 ये क्वेश्चंस में दिया है। तो सबसे पहले यहां पर इसका समय का हम रेशियो निकालेंगे, तो 1/10 / 1/3 / 1/20 करेंगे। अब 10, 3 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, 20 और 3 का एलसीएम 60 होता है, यानी कि सभी में 60 से गुना करना होगा, 1/10 × 60 / 1/3 × 60 / 1/20 × 60, तो 10 × 6 = 60 और 20 × 3 = 60 और 20 × 3 = 60, यानी कि 6:20:3, ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 का 6:20:3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का लैंग्वेज क्या है, 3105 रुपया को KL/M के बीच क्रमशः 2/3 / 3/4 / 1/2 के अनुपात में विभाजित करना है, L को कितनी धनराशि मिलेगी। यहाँ पर 3105 रुपया को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका नाम दिया है KL और M। रेशियो का फॉर्मेट दिया है भिन्न के रूप में, 2/3 / 3/4 / फिर कितना है, 1/2। सबसे पहले ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, तो 3, 4 और 2 का सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है 3, 4 और 2 का, तो 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम सभी लोग जानते हैं 4 होगा, फिर 4 और 3 का एलसीएम 12 है, यानी कि एलसीएम 12 हो गया, तो सभी में 12 से गुना कर देना है,
तो यहाँ पर 2/3 गुना 12 अनुपात 3/4 गुना 12 अनुपात 1/2 गुने 12 है, तो 3 × 12 2 × 8 हो जाएगा, फिर 4 × 12 तो 3 × 9 हो जाएगा, और 2 × 12 तो 6 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है जो सबसे पहले निकाल देते हैं, टोटल कितना हो रहा है तो 8, 9, 17 और 6 कितना 23। यहाँ पर ये लिख देते हैं कि कुल कितना हो रहा है, रेशियो में 23 हो रहा है, तो 23 रेशियो का वैल्यू कितना है 3105 है। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है एल को कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो सबसे पहले 23 रेशियो का वैल्यू 3105 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3105/23, और 9 रेशियो का निकालना है तो 9 से गुना करना होगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 23 से कम 23, फिर 31 में से 23 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 और 0 यानी कि 80 में 23 से भाग लगाएंगे तो 23 × 69, और उसके बाद आपको 80 में से 69 घटाना है तो 69 × 70 और 10 × 80 यानी कि 11 शेषफल बचा, यानी कि सबसे पहले 3 बार हमने लगाए हैं तो 3 हमने लिख दिया, और 80 में से 69 घटाने पर 11 शेषफल बचा, 11 और 5 यानी कि 115, तो 23 × 15 से 135 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, फिर 13 × 9 = 17 से 117 और 4 121 यानी कि ये आपका 1215 रुपया कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1215 रुपया, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है सी, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। एक रेशियो का वैल्यू 135 हो गया था, यानी कि 23 में 135 से गुना करेंगे तो 3105 हो जाएगा, तो 8 में भी 135 से गुना करना होगा, 9 में भी 135 से और 6 में भी 135 से। आपसे पूछा है 9 रेशियो का वैल्यू, तो 9 गुना 135 हमने किया तो 1215 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। एक फलों की टोकरी में सेबों की संख्या केलों की संख्या के अनुपात में ए है और केलों की संख्या सेबों की संख्या के अनुपात में बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहां मान लेते हैं कि सेबों की कम से कम संख्या कितना है, ए है, और ए का वैल्यू हम 1 मान सकते हैं, कम से कम कहने का मतलब 1। उसी प्रकार से केलों की संख्या को यहां पर बी माना है और इसका कम से कम संख्या 1 होगा, तो सेब प्लस केला की संख्या यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेब और केला का कम से कम संख्या डेट मीन्स ए प्लस बी का मान, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो रहा है, और 2 है जो 1 से बड़ा है, तो यहां पर ऑप्शन से चलेंगे तो ए नंबर ऑप्शन में लिखा है पूर्णतया 1 मतलब 1 के बराबर होगा, फिर बोला है कि बी नंबर ऑप्शंस में 1 से कम होगा, सी नंबर ऑप्शंस में बोला है 1 से अधिक होगा, डी नंबर ऑप्शंस में बोला है 0 होगा, तो सी नंबर ऑप्शंस 1 से अधिक आपका आंसर होगा क्योंकि 2 है जो 1 से बड़ा है यानी कि 2 1 से अधिक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शंस नंबर सी क्या लिखा है 1 से अधिक, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। एक वस्तु के 6% एवं 4% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले जब भी आपके प्रश्न में परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो वैल्यू पूछा जाए तो आपको प्रश्न में दी गई निश्चित राशि का यूज नहीं करना है, आप चाहे तो उसका यूज भी कर सकते हैं लेकिन बगैर उसका यूज किए ही उस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। यहाँ देखिए 4% के लाभ पर विक्रय मूल्य 104% होगा और 6% के लाभ पर विक्रय मूल्य 106% होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 52 × 104 53 × 106, तो 52 अनुपात 53 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्या है क्वेश्चन, 210 रुपया को 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटिए, संगत धन राशियां क्या है। 210 रुपया को बांटा जाता है जिसका रेशियो दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, टोटल कितना है जो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, 5 × 4 = 9 × 3 = 12 और 2 = 14, और यहाँ टोटल कितना है 210 यानी 14 रेशियो का वैल्यू 210 है, तो 14 में 15 से गुना करने पर 210 हो जाता है, तो सभी में आपको 15 से गुना कर देना है,
अब इसके बाद जब गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं, 30 45 60 और 75, ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 26 क्वेश्चन नंबर देखिए 26। चॉकलेट का एक पैकेट तीन दोस्तों अमर अकबर एवं एंथोनी के मध्य क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक पाया तो एंथोनी ने कितना चॉकलेट पाया? यहाँ देखिए अमर अकबर और एंथोनी को चॉकलेट बांटा जाता है, उसका रेशियो लिखा है 3:4:5। तो देखिए अकबर को 4 चॉकलेट मिलता है तो अमर को 3 चॉकलेट मिलता है, यानी कि अकबर को 1 चॉकलेट अधिक मिल रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि अकबर को अमर से 50 चॉकलेट अधिक मिलता है, यानी कि 1:1 का वैल्यू कितना दिया है? 50। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर है 26 पूछा गया है कि एंथोनी ने कितना चॉकलेट पाया, यानी 5:1 का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है? तो 50 × 5 यानी कि 250। तो 250 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 250, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर देखिए 27। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये मान लीजिए कि कोई आयताकार बोर्ड है और ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है। क्वेश्चन में दिया है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, यानी 5:1 का वैल्यू कितना दिया है? 20.5। तो आपसे क्या पूछा है? इसकी लंबाई, यानी कि 7:1 का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है? तो देखिए 5:1 का वैल्यू 20.5, तो 1:1 का वैल्यू कितना होगा? 20.5/5। और 7:1 का वैल्यू निकालना है तो 7 से आपको गुना करना है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5×20 और 5×5, यानी कि अब गुना करेंगे तो 1×7 और 4×7 28, 28.7 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? 27 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 162 रुपया की धनराशि को 2:3:6:7 के अनुपात में बांटिए, संगत अनुपात में धनराशि रुपया में क्या है? 162 रुपया को बांटा जाता है जिसका रेशियो वैल्यू दिया है, क्या लिखा है रेशियो? 2:3:6:7। तो यहाँ पर रेशियो में टोटल कितना हो रहा है जो सबसे पहले निकालेंगे, तो 2, 3, 5, 5, 6, 11, 7, 18, और यहाँ टोटल कितना है? 162। 18:1 का वैल्यू 162 दिया है, यानी 18 में 9 से गुना करने पर 162 होता है, तो ये सभी में 9 से गुना करना होगा, और गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर देखते हैं 18, 27, 54 और 63 दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 169 रुपया को 2:5:6 में विभाजित कीजिए, संगत अनुपात में धनराशि रुपया में क्या होगी? 169 रुपया को विभाजित करना है जिसका रेशियो वैल्यू दिया है 2:5:6। यहाँ पर रेशियो में टोटल कितना हो रहा है जो निकालते हैं? 2, 5, 7, 6, 13। 13:1 का वैल्यू 169 दिया है, तो 13 में 13 से गुना करने पर 169 होता है, तो ये सभी में आपको 13 से गुना कर देना है, तो 13 × 2 = 26, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 26, 65, 78 कौन सा ऑप्शन है? 29 का 26, 65, 78 दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक ही इस वीडियो में रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, और लास्ट क्वेश्चन हम करा देंगे क्वेश्चन नंबर आपका 73 तक। लास्ट क्वेश्चन 73 है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।